आज का हमारा विषय है वायुमंडल में जल। यहाँ पर वायुमंडल में जल का तात्पर्य वायुमंडलीय आर्द्रता से है। बच्चों, वायुमंडल में आर्द्रता या जल, ऐसा लगता है कि वायुमंडल में भी पानी है क्या, लेकिन है ना। वर्षा ये पानी का एकदम स्पष्ट उदाहरण है। तो ये वायुमंडल में ये जल कहाँ से आता है? बच्चों, इसके पहले हमने वायुमंडल के स्तर का अध्ययन किया है। इस स्तर में परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं, ये परिवर्तन मंडल जो है, ये धूल और मेघ और जलवाष्प से भरा पड़ा है। यहाँ से विभिन्न प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बिजली का कड़कना, पानी का गिरना, मेघों का गरजना, ये सब तूफान, ये सब चीज़ें जो है इसी परिवर्तन मंडल से संबंधित है। और इसके साथ ही मनुष्य के लिए ये बहुत ही आवश्यक तथ्य है। और इसीलिए ये चूँकि वायुमंडल में स्थित है, इसलिए हम इसे वायुमंडल की आर्द्रता या वायुमंडल में पाए जाने वाला जल कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि वायुमंडल में जो आर्द्रता है ये बहुत कम होती है, केवल 0 से 4% तक ही आर्द्रता पाई जाती है, लेकिन इसका महत्व इतना अधिक है। ये हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये तो हम समझ ही सकते हैं। वास्तव में जो वायुमंडल की जो आर्द्रता है, वह वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को हम कहते हैं। यह आर्द्रता तीनों रूपों में, जैसे तरल रूपों में पानी के रूप में, गैसीय रूप में जलवाष्प के रूप में, और कठोर पदार्थ जो होते हैं जैसे हिम के कणों के रूप में यह विद्यमान है। और इसलिए हम इसको एक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। इसमें क्यों आर्द्रता हमारे लिए आवश्यक है? तो जलवाष्प यदि वायुमंडल में होता है तो वर्षा होती है। दूसरा, जब आर्द्रता अधिक होती है तो जो सोलर रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को यह नियंत्रित करती है। आर्द्रता बढ़ने पर जो विकिरण है यह नियंत्रित होता है। तीसरा, जितने भी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं, जैसे वर्षा, तूफान आना, कितनी तूफान की स्थिति होगी, यह गुप्त ऊष्मा निर्धारित करती है। और इसके अलावा वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं, कहीं पर ओस, कहीं पर तुषार, कहीं पर कोहरा, ये सब घटनाएं जो है ये इसी आर्द्रता के कारण संपन्न होती है। और इसलिए वायुमंडल में आर्द्रता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में ये आर्द्रता या ये जो वाष्प है ये कहाँ से आते, इसके स्रोत क्या है? तो बच्चों, जैसे धरातल पर कई प्रकार के सागरीय, महासागरीय, झील, नदी, तालाब, ये सब पानी के क्षेत्र हैं, और इन्हीं क्षेत्रों से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है इसे हम स्रोत कहते हैं। और न केवल जल के स्रोत, बल्कि हिमनद भी होता है, यह भी चूँकि जल का ही रूप है, या फिर वनस्पति, यहाँ से भी जो आर्द्रता है उसको सूर्य की किरणें अवशोषित करती है। तो ये स्रोत हैं, और स्रोत को मुख्य रूप से ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। और इस प्रकार से यह आर्द्रता या जो है इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वाष्पीकरण शब्द जो है वो क्या है? तो
जल का गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जल का गैसीय अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है बच्चों? आपने देखा होगा जैसे गैस पर आपने पानी रखा और पानी उबल रहा है, उबलने के साथ आप देखते हैं कि इसमें देखिए कैसे भाप आ रही है। तो यही जो भाप का स्वरूप है यह वाष्पीकरण होता है। और ये जो भाप कभी कभी आप ढक्कन ढक देते तो भाप ठंडी हो जाती है, तो इसको संघनन कहते हैं। यानी ये दोनों क्रिया जो है यह वायुमंडल की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसे ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है बच्चों, आपको पता है कि एक बूंद जल जो होता है इसको वाष्प के रूप में परिवर्तित करने के लिए लगभग 600 ग्राम कैलोरी जो है इतनी ऊर्जा लगती है। तो 600 कैलोरी ऊर्जा जो होती है ये कितनी ज़्यादा होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है यह गुप्त ऊर्जा कहलाती है। गुप्त ऊर्जा या लेटेंट हीट हम इसको कहते हैं। और इस प्रकार की जो गुप्त ऊर्जा ये धरातल पर निरंतर सक्रिय है, और यही गुप्त ऊर्जा जो है तूफान को लाने में भी कितनी अधिक सहायता दे रही है। कितना वाष्पीकरण हो रहा है देखिए, हम लोग तो पानी को उबालते हैं गैस में तब हमको भाप दिखती, लेकिन समुद्र से उठने वाली, नदियों से उठने वाली, झीलों से उठने वाली भाप हमको दिखाई नहीं देती। यानी ये गुप्त ऊर्जा यहाँ पर सक्रिय होती है, और इसी गुप्त ऊर्जा के कारण वाष्पीकरण की मात्रा बहुत तीव्रता से होती है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है यह मैंने अभी बताया कि इसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, और सूर्य की किरणों से ये प्रत्यक्ष प्रभावित है। इसलिए हम देखते हैं कि इसका यदि हम अक्षांशीय वितरण देखें तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वाष्पीकरण की जो मात्रा है यह घटती जाती है, लेकिन ध्रुवों के पास में ध्रुवों के पास वाष्पीकरण कम हो रहा है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास भी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी कम होती है, लगभग 0° से 20° उत्तर और दक्षिण की ओर यदि हम देखते हैं तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे कम यहाँ पर कम होती है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर हमेशा बादल छाए रहते हैं और उसके कारण वाष्पीकरण दोपहर को 12 बजे तक तो होता है, उसके बाद कम हो जाता है, लेकिन 20° से 30° के बीच में वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण में ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी कम होते होते ध्रुवों के पास लगभग नहीं के बराबर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कई बातों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान। जैसे बताएं कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य से मिलने वाला तापमान कितना मिल रहा है। भूमध्य, जैसा अभी मैंने बताया कि भूमध्य रेखा के पास तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, वैसे तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती, लेकिन बादल हमेशा छाए रहने के कारण रोज यहाँ पर बारिश होती संघनन से, उसके कारण जितना वाष्पीकरण दोपहर तक होता है 12-1 बजे तक, उसके बाद क्या होता है बादल छा जाते हैं और वाष्पीकरण की मात्रा घट जाती है। लेकिन 20° से 30° अक्षांश की तरफ हम जाते हैं, विशेष रूप से यहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जा रहे हैं, और ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में तेज सूर्य की किरणें पड़ती है, उसके कारण इस क्षेत्र में वाष्पीकरण होता है और लगभग संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 50% से 60% वाष्पीकरण तो इन्हीं क्षेत्रों में हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वाष्पीकरण कम हो गया, फिर
दिन और रात में भी, दिन में वाष्पीकरण अधिक होता है लेकिन रात में तापमान की कमी या सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें नहीं मिलती, केवल जो भूतापीय ऊर्जा के प्रभाव से कहीं वाष्पीकरण होता है। तीसरी जो स्थिति होती है कि जाड़े के काल में जब ठंड पड़ती है तो वाष्पीकरण कम होता है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। तो इस प्रकार से तापमान से प्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण प्रभावित होता है। दूसरा जो कारक है ये है वायु की शुष्कता। वायु जितनी शुष्क होगी उतना अधिक वाष्पीकरण होगा। यदि वायु स्वयं आर्द्र है, गीली है, तो वह वाष्पीकरण नहीं कर सकती, और इसलिए हम देखते हैं कि 20 से 30 अंश अक्षांश में यहाँ पर मरुस्थल जो विस्तृत है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, तो यहाँ पर हमेशा शुष्क वायु प्रवाहित होती है और यहाँ पर पानी की बूंद भी दिखाई नहीं देती। जो भी पानी पूरा का पूरा वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, और वैसे पूरे इस बेल्ट में 20 से 30 अंश अक्षांश के बेल्ट में सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है। उसके बाद अगला जो है ये है बादल की स्थिति। बादल जब हम देखते हैं कि आकाश में बादल छा जाते हैं तो सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें जमीन पर नहीं आ पाती और उसके कारण भी वाष्पीकरण होता है। चौथा जो है जल क्षेत्र का विस्तार। जितना अधिक जल का क्षेत्र होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा, क्योंकि जल से ही तो वाष्प बन रहा है। तो सागर महासागर के अलावा आंतरिक सागर जितने अधिक होंगे, अंदर में नदियां जितनी अधिक होगी उतना अधिक वाष्पीकरण होगा। हवा की गति, हवा जब तेज गति से चलती है तो अधिक वाष्पीकरण करती है, हवा की गति धीमी होती है तो वाष्पीकरण कम होता है। इसके अलावा सागरों में पाई जाने वाली लवणता, सागर का पानी कितना खारा है, उसमें कितने अधिक तत्व समाहित है, जितने अधिक तत्व होंगे तो वाष्पीकरण कम होगा। स्वच्छ जल में 5% वाष्पीकरण हमेशा अधिक होता है। तो ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया और उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये निर्भर करते हैं, और इसी के कारण भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम निम्न उच्च अक्षांशों की ओर यानि 90 ध्रुवों की ओर उत्तर और दक्षिण दोनों में जाते हैं तो वाष्पीकरण क्रमशः कम होता है, लेकिन 20 अंश से 30 अंश अक्षांश के बीच में वाष्पीकरण लगभग 50 से 60% तक होता है। तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा शब्द जो हमने अपने टॉपिक का लिया ये है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? तो पानी का जलवाष्प के रूप में परिणित होना और वायु में समाना, इसको हम आर्द्रता कहते हैं। एक निश्चित तापमान में वाष्पीकरण या पानी का जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है, और ये जो निश्चित तापमान है इसके कारण वाष्प जो है ये पहले पानी से वाष्प बनता है, और कभी कभी तापमान के घटने बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण वाष्प से फिर पानी बनता है या वाष्प से हिम के कणों में परिणति होती है। यानी समय और स्थान, ये दोनों तत्व आर्द्रता की स्थिति को प्रभावित करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो आर्द्रता होती है ये हमारे पूरे वायुमंडल में केवल 0 से 4% तक होती है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे भौतिक जगत पर और हमारे मानव जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। आर्द्रता जो है ये स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है, और इस प्रकार से
आर्द्रता यानी जल में अवशोषण की एक सीमा होती है और एक निश्चित सीमा में जो जल का अवशोषण वायुमंडल करता है तो इसकी इकाई को हम ग्राम प्रति घन मीटर में आंकते हैं। तो ग्राम प्रति घन मीटर ये आर्द्रता को मापने का एक पैमाना होता है। आर्द्रता जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि वातावरण में जितनी आर्द्रता सूर्य की किरणों द्वारा समाहित की जाती है और एक निश्चित तापमान में वायु का जो निश्चित आयतन और जल का आयतन होता है इसका जो संबंध होता है इसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जबकि ये जो निरपेक्ष आर्द्रता है इसी का मापन जो होता है ग्राम प्रति घन मीटर में होता है। दूसरी एक और आर्द्रता होती है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, इसको हम कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षित आर्द्रता क्या है, जल ग्रहण कितना है यह नहीं, जल ग्रहण की क्षमता वायु में कितनी है, कितनी वायु जल ग्रहण कर सकती है उसकी क्षमता को हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। जो सापेक्ष आर्द्रता होती है इसका आकलन प्रतिशत में किया जाता है और ये जो सापेक्षित आर्द्रता होती है ये समयानुसार परिवर्तित होती रहती है। और इसकी एक और विशेषता होती है कि जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है और तापमान के घटने पर ये आर्द्रता बढ़ती है। जबकि निरपेक्ष जो आर्द्रता होती है इसमें तापमान के घटने या बढ़ने का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से सापेक्ष और निरपेक्ष ये दो आर्द्रता महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि सापेक्ष और निरपेक्ष ये जो आर्द्रता होती है इसमें सापेक्ष आर्द्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता जो होती है ये मानव के स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव डालती है। कैसे प्रभाव डालती है, जब आर्द्रता अधिक होती है तो कई प्रकार के वातावरण में कीट पतंग जीव विकसित हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं बरसात का समय है तो बरसात में कई प्रकार के कीड़े कीट पतंगे ये जन्म लेते हैं और ये सिर्फ जन्म नहीं लेते ये हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालते हैं, आप देखते हैं कि बरसात में कई प्रकार के रोग जैसे कि टाइफाइड है या जॉइंडिस है, हैजा है, इस प्रकार के रोग विकसित हो जाते हैं। तो ये इसका मूलभूत कारण है सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना। लेकिन यदि सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है तो भी मानव के प्रभाव पर मानव के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। और क्या असर पड़ रहा है कि मानव के शरीर में खुश्की सूखा रोग जैसी स्थितियां भी विकसित होती है। तो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए एक जो औसत आर्द्रता जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल होती है इसे ये लगभग 60% होनी चाहिए। तो ये सापेक्ष आर्द्रता का वितरण विशेषता या होती है। फिर दूसरा जो सापेक्ष आर्द्रता का महत्व है ये है मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी महत्वपूर्ण है। आर्द्रता वातावरण में कितनी है, यदि आर्द्रता 100% हो जाती है तो पानी के गिरने का वर्षा के होने का अनुमान लगाया जाता है।
और यदि आर्द्रता कम है तो मौसम सूखा रहेगा, यह अनुमान बताया जाता है। तो यह मौसम के पूर्वानुमान का भी द्योतक है। तीसरा जो है, कृषि संबंधी जो गतिविधियां होती है, इन गतिविधियों में भी जैसे आप जानते हैं ना कि किसान जो है मौसम का अनुमान लगाने के बाद फिर खेत की जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, तो ये सब आर्द्रता पर निर्भर करता है। आर्द्रता के घटने या बढ़ने से कृषि के साथ ही हमारा जो कृषि में सहायक पशुधन है यह भी प्रभावित होता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण महत्व है यह है भवन निर्माण में। भवन निर्माण में यदि हम देखते हैं कि यदि आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो भवन निर्माण की बहुत सी सामग्री खराब हो जाती है, कहीं कहीं फफूंद भी लग जाती है और बहुत सी सामग्री खराब होती है। लेकिन सापेक्ष आर्द्रता यदि कम होती है तो भवन में जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे प्लास्टर करते हैं ना, तो इस प्लास्टर में चटकने, दरारें आ जाती है। तो जैसा अभी बताया कि सापेक्ष आर्द्रता का अनुकूलतम जो स्वरूप होता है, अनुकूलतम स्थिति क्या होती है कि 60% आर्द्रता होनी चाहिए, जो बहुत ही उत्तम होती है और इसमें सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये निरंतर संपन्न होती है। आर्द्रता के अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर ही चुके थे कि भूमध्य रेखा के पास आर्द्रता थोड़ी कम होती है, लेकिन 20-30 अक्षांश पे सर्वाधिक पाई जाती है। और उसके बाद आर्द्रता जो है ये रहती है, किंतु इस पर सूर्य का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है। लेकिन आर्द्रता जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हिमकणों के रूप में भी आर्द्रता हमको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आर्द्रता बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला जो कारक है इसे हम कहते हैं संघनन, कंडेंशन। संघनन क्या है? संघनन में जब एक निश्चित ताप पे जो जलवाष्प होता है वो फिर से जल के कणों में जब परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम संघनन कहते हैं। और यही तापमान का जल के रूप में परिवर्तन की जो स्थिति होती है इसे हम ओसांग कहते हैं, ओस के रूप में बदलना। लेकिन जब तापमान और भी कम हो जाता है तो और भी कम होने से जलवाष्प सीधे हिम में परिवर्तित हो जाती है, हिम के कणों में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम हिमांक कहते हैं। तो ओसांग और हिमांक ये दो महत्वपूर्ण शब्द संघनन में आते हैं। संघनन के क्षेत्र में जब वायुमंडल में तो वातावरण में जो धूल, धुआं और नमक जो होते हैं ये जल को अवशोषित करते हैं, और इस प्रकार जो जल को अवशोषित करने के कारण जल या हिम के रूप में जो जल का परिवर्तन होता है तो ऐसे तत्व जो होते हैं ये आर्द्रता ग्राही कहलाते हैं। आर्द्रता ग्राही तत्व ये होते हैं और इसमें जल का अवशोषण आसानी से होता है। अब हम देखेंगे कि संघनन कितने रूपों में हमारे सामने में आता है। सामान्य रूप से संघनन के जो रूप हैं ये चार प्रकार से हमारे सामने में आता है। सबसे पहला है ओस। ओस क्या है? जब तापमान रात के समय पृथ्वी पर तापमान कम हो जाता है या शीतकाल के समय में जब पृथ्वी का तापमान कम होता है और हवा भी ठंडी होती है, और जब हवा सतह से होकर के बहने लगती है तो हवा और भी ठंडी हो जाती है
और इसके ठंडे होने के कारण, तापमान कम होने के कारण हवा में जो जलवाष्प के कण स्थित होते हैं, ये जलवाष्प जल की बूंदों में परिणित हो जाता है और इस प्रकार से ये जल की बूंदें सतहों पर और हमको कभी कभी छोटे छोटे पेड़ पौधों पर भी या बड़े वृक्षों पर भी सतह में ये ज़्यादा दिखाई देती है, दीवालों पर जमी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसको हम ओस के नाम से जानते हैं।